खबर प्रयागराज से, जहां पर पूर्व आईपीएस मणिलाल पाटीदार की अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का पाटीदार को राहत देने से इनकार है, यानी कि चौरजी इलाहाबाद हाईकोर्ट में पाटीदार की तरफ से लगाई गई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने मणिलाल पाटीदार की राहत अर्जी को खारिज कर दिया है। पाटीदार ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की थी, जिस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। एफआईआर रद्द करने की बात को लेकर के इस अर्जी को दाखिल किया गया था, जिस पर राहत देने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। महोबा में कारोबारी की हत्या का यह पूरा मामला है। इस पूरे मामले में जज गोविंद माथुर और सिद्धार्थ वर्मा डिवीजन बेंच के इस डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई थी। मनीष पालीवाल हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। आप मनीष, इतना लंबा वक्त गुजर चुका और इस बीच में कानूनी दांवपेच का सहारा पाटीदार लेते हुए देखे, मगर वहां से भी उनको राहत नहीं मिली बल्कि अर्जी खारिज। बिल्कुल, देखिए इस मामले में मणिलाल पाटीदार हाईकोर्ट पहुंचे थे, उन्होंने मांग की थी कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको रद्द किया जाए। इसके साथ ही उनकी जमानत की अर्जी थी जिसे भी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। उनकी दोनों मांगों को हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और उनकी याचिका को रद्द कर दिया है, खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि इसमें हाईकोर्ट की तरफ से मणिलाल पाटीदार को सिर्फ एक राहत यह दी गई है कि कोर्ट ने उन्हें छूट दी है कि वो अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने मेन मांग उनकी जो थी, उनके याचिका के द्वारा दो मांगे थी कि उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसे रद्द किया जाए, और उनकी जमानत की अर्जी थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। और आपको बता दें कि ये मणिलाल पाटीदार के खिलाफ महोबा में जब ये एसपी थे तो इनके खिलाफ आरोप लगा था, ठेकेदार से रंगदारी मांगने का आरोप था, जिस मामले में जो ठेकेदार था उसने आत्महत्या कर ली थी, उसके बाद इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। और मामले में राहत के लिए मनीष राहत तो नहीं मिली पाटीदार को, लेकिन पुलिस के सामने मजबूरी क्या है कि आखिर वो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? देखिए, क्योंकि मणिलाल पाटीदार एक पुलिस में बड़े ओहदे पर रहे हैं, आईपीएस अधिकारी रहे हैं, तो फिलहाल जो उनके खिलाफ मामला दर्ज था उसकी जांच चल रही है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस गिरफ्तारी से पहले पूरे मामले की जांच तफ्तीश करना चाहती है, उसके बाद गिरफ्तारी करती है, और इसी बीच अपने आप को गिरफ्तारी से बचाने के लिए पाटीदार हाईकोर्ट पहुंचे थे, और जिसमें उन्हें आज कोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली है। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट में यह भी मांग की थी कि उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसे रद्द कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी दोनों मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो फिलहाल ये कहा जाए कि मणिलाल पाटीदार के आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष इन तमाम जानकारी के लिए।